तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरा वो है पार्ट से। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सारा वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मेरा पार्ट से लिया गया है। क्या कह रहा है, सही विकल्प चुन कर लिखे, मतलब यहाँ पर चेक मारना है सही विकल्प में। तो क का जो है मेरा, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ग सही, तमिलनाडु में। आप लोगों ने इस कहानी को नहीं पढ़ा है तो वीडियो बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पर जाके देख लें। अब यहाँ पर है ब में मेरा, रामानंद के पिता क्या थे, सरकारी सेवक, मंदिर के पुजारी, किसान, व्यापारी। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मंदिर के पुजारी थे रामानंद के पिता जो थे, वह मंदिर के पुजारी थे। अब स्वामी है जो मेरा, वह क्या कह रहा है, अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे। यहाँ पर ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इसकी स्पॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर ठीक है आप समझ गए हैं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसका जो उत्तर है वो भी है यहाँ पर, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम साहब को जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनमें प्रमुख हैं धर्मवाद, संप्रदायवादी शिक्षक थे उनके शिक्षक देते हैं संप्रदायवादी, उनसे उनको शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है मेरा, नए शिक्षक के द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके मित्र रामानंद से अलग हटाकर बैठने की को कहा गया, शिक्षक के इस व्यवहार पर अपनी राय तर्क सहित दीजिए। तो यहाँ पर आपको अपना राय देना है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे राय से शिक्षक का व्यवहार उचित नहीं था, क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार वाले शिक्षक स्कूल में बच्चों के बीच सांप्रदायिकता, जातिवाद का विषय होते हैं, विषय बातें हैं। विद्यालय में सभी बच्चे बराबर हैं, वे छात्र हैं, ना कोई छात्र हिंदू होता है और ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख ईसाई, सभी बराबर होते हैं। तो देखिए आगे क्या है, सभी विद्यार्थी होते हैं, इस प्रकार के उच्च सोच रखने वाले ही शिक्षक योग्य होते हैं। जो शिक्षक ये विचार रखते हैं कि सभी विद्यार्थी होते हैं, मतलब सभी बराबर होते हैं, वे शिक्षक उच्च होते हैं, और सांप्रदायिकता के जो विचार रखते हैं शिक्षक वो निम्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर मेरा है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है, आप लोग पहले ठीक से समझिए। रामानंद के पिता ने दोनों दोस्त के प्रति भेदभाव का व्यवहार रखने वाले शिक्षक से क्या कहा, और उन्होंने उस ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो इसका जो उत्तर है वो देखिए, आप लोग देखिए इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा, रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से कहा, उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। और देखिए आगे, देखिए अब हो जाएगा, ऐसे उन्होंने इसलिए कहा कि योग्य शिक्षक बच्चे में भेदभाव उत्पन्न नहीं करते, शिक्षकों को जाति, धर्म, संप्रदाय, गरीबी, यहाँ पर गरीब अमीर, उच्च नीच और भेदभाव से सदैव अलग रहना चाहिए, ताकि बच्चे भी इससे अलग रह सकें।
तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है मेरा पाठ से आगे का क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पाठ से आगे का मेरा क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर वन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में क्या परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन के क्या कारण रहे होंगे। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को। इसका उत्तर हो जाएगा, कलाम साहब की विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में परिवर्तन हुआ, क्योंकि विज्ञान शिक्षक की पत्नी ने कलाम साहब को अपने रसोई में खिलाने से इनकार कर गई थी, लेकिन बाद में पुनः उन्होंने कलाम को बुलाकर अपने रसोई में अपने हाथ से परोस कर खिलाई थी। इस परिवर्तन का कारण निम्नलिखित रहे होंगे। तो देखिए क्या कारण थे आप देखते हैं। देखिए यहाँ पर विज्ञान शिक्षक अपने श्रीमती जी को सांप्रदायिकता भावनाओं से समाज बांटते हैं का ज्ञान दिए होंगे, अर्थात मानव को मानव समझो इत्यादि का पाठ पढ़ाए होंगे, अथवा कलाम की विचार भावनाओं से प्रभावित हुए होगी, अथवा दरवाजे पर आए हुए को निराश नहीं करना चाहिए, इस तरह के कई भी भावना उनके मन में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ यहाँ पर अब है मेरा व्याकरण। तो देखिए व्याकरण क्या कह रहा है, वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका हमें वाक्य बनाना है, तो देखिए यहाँ पर वाक्य बना दिया हूँ। पहला है गली, गली का हुआ यह गली दूर तक जाती है। उसका बाद है पाठशाला, पाठशाला का पाठशाला राम की पाठशाला सुंदर है। अगला है मेरा शिक्षक, शिक्षक संस्कृत पढ़ाते हैं। इच्छा, इच्छा मानव को इच्छा मंजिल तक पहुंचाती है। उसके बाद है मेरा तीव्र, तीव्र का हो जाएगा तीव्र धारणा वाली चाकू दो, धार वाली चाकू दो। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं अपने मन से, सिर्फ आपका वाक्य का कोई तात्पर्य होना चाहिए, आपका वाक्य सटीक होना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर टू जो कि है व्याकरण का, पर्यायवाची शब्द लिखिए, धनी घर व्यक्ति दिन और पत्नी यहाँ पर होता है, इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कह रहा है लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग पर्यायवाची शब्द पहला क्या था, धनी, इसका हो जाएगा धनवान संपन्न संपत्तिवान। उसके बाद है मेरा घर, घर का हुआ गृह आवास भवन निवास। उसके बाद है मेरा व्यक्ति, व्यक्ति का आदमी पुरुष जन। उसके बाद है मेरा दिन, दिन का होता है दिवा बार दिवस। उसके बाद है मेरा पत्नी, पत्नी का होता है मेरा आर्या अर्धांगिनी सहगिन सहगामिनी। तो आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर और उसका कविता का पूरा अर्थ सहित आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वह वीडियो आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।